हरि ओम कलाम जी आदिदेव भगवान नटराज के नमस्कार, माँ सरस्वती के नमस्कार, मंच ते मुसागर बैठ दादा जेठो लालवाणी साहब असाने अज जी हिन सेशन जा सदस्य, मुंहिंजी भेण दीदी परमेश्वरी जी, माँ गोविंद माया साहब ऐं राजस्थान सिंधी अकेडमी जा सेक्रेटरी साहब गुरनाथ साहब, तव्हां सभिनी जी इजाज़त सां मां अॼु जो हीउ पेपर पेश करणु चाहींदुसि। वेही करे थो पेश कयां, छो जो डाइस जी जेका पोज़ीशन आहे उहा थोरी सी टेक्निकली ठीकु नाहे, छो जेकॾहिं मां उथी वेहंदुसि त पोइ मूंखे पूरो 180 डिग्री ते झुकणो पवंदो। मूंखे झुकण में का दिक़त कोन्हे का, पर जेका फिज़िकली परेशानी वधीक पोइ थींदी उहा उन्हनि जे लाइ मां तव्हांखां माफ़ी घुरंदे पंच तां ई हिते पेपर पेश करण थो चाहियां। साहित्य अकेडमी जी बॉम्बे में मीटिंग हुई 26-27 तारीख़, त गुरनाणी साहिब जो फोन आयो हो कि सिंधी लिखणु पढ़ण खां ज़रूरी आहे सिंधी ॻाल्हाइणु, इन ते तव्हां पेपर पेश कंदा। मां चयोसि थोरो मूंखे मटेरियल जेको सिरो आहे उहो ठीकु नथो लॻे पियो, मां सुभाणे जयपुर अचां थो पियो त पाण हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। गुरनाणी साहिब सां ॻाल्हाइणु थियो त चयूं जंहिं दर्द ॾिनो आहे दवा उहो ई ॾींदो, त गुरनाणी साहिब सां गॾु वेठासीं ऐं हिन ते चर्चा थी, त ॻाल्हाइण में जेको कुझु मिलियो त मूंखे लॻो कि हीउ हिकु सेमिनार जो पेपर, हिकु पेपर न आहे, हिकु सेशन न आहे, हिन ते त पूरी 3 ॾींहनि जी सेमिनार थियणु घुरिजे, छो जो सिंधी भाषा, सिंधी भाषा लिखणु, सिंधी भाषा पढ़णु ऐं सिंधी ॻाल्हाइणु, इहे चारि जेके सब्जेक्ट्स आहिनि उहे हिक में अची विया आहिनि। हाणे टेक्निकली जेके प्रॉब्लम्स आहिनि उनखे वरी कीअं सॉल्व करे सघिजे थो, त हिकु स्कॉलर जे नाते कोशिशि कई आहे मां, त मां हिननि खे अटेंड करण जी कोशिशि कयां। मां पंहिंजे मकाले खे, पंहिंजे पेपर खे सिंधी भाषा ऐं उनजी ख़ासियतुनि ते वधीक जेको आहे फोकस कयो आहे, ॻाल्हाइण ऐं पढ़ण ते उन जूं प्रॉब्लम्स वैसे त सभिनी खे सामान्य आहे, ख़बर आहे, वरी बि जेके मुंहिंजे दिमाग़ में आयूं आहिनि मां उन्हनि खे हिते लिखण जी कोशिशि कई आहे। तव्हां मां जेकॾहिं खे सुझाव ॾींदा त मां उन्हनि खे हिन पेपर में शामिलु कंदुसि। तव्हां चओ लिखूं, शुरू था कयूं तव्हां सभिनी जी इज़त सां। नारायण शाह जेको शेर आहे, जीअं ई बतीअ जी स्विच कई ऑफ, जीअं ई बतीअ जी स्विच कई ऑफ, शाम मूं कमरे में फर्श तां वई ईअं खिसकी रोशनी, कमरे में फर्श तां वई ईअं खिसकी रोशनी। भारत जे आज़ादु थियण खां पोइ सिंध पाकिस्तान में शामिलु थियण करे सिंधी समाज जे भाषा जे बतीअ जो स्विच ऑफ थी वियो ऐं समाज जे कमरे मां रोशनी रूपी भाषा खिसकी वई। साईं मंघारा मलकाणीअ जो हिकु नंढो नाटक आहे हुबली जे किनारे ते, मां हिते ॿ नाटकनि जा भाषा जे रूप में इलस्ट्रेशन ॾिना आहिनि, ॾिसजो कीअं था भाषा जेका आहे बदिलजे। उन में इहो कुंज मैगज़ीन में छपियो 1965 में, माना 1965-60 जे आसपास ई हुबली जे किनारे जो एकांकी लिखियलु आहे। चवनि था, 16 सालनि जी सामाणियल ऐं नफ़ीस धीअ फिराक पायो दरीअ मां ॿाहिरि पई निहारे, पोइ इंतिजारीअ मां हिकु कुर्सीअ ते अची थी वे
ऐं विच वार इहे टिपाईअ तां हिकु मैगज़ीन खणी बेद लियो पन्ना पई वराए मंधाराम मलकाणी। हाणे ॿियो मिसाल ॾिसूं था, अॼु रमेश गंगाणी साहिब खे हिकु ॿ न पर टे पुरस्कार मिलिया आहिनि। हा, हिकु हुननि जी नूह जो बि मां हिन करे टे पुरस्कार थो जोड़िया। हा, उन्हनि जो 2023 में हिकु किताबु छपियो आहे ॻोल्हा हिकु मसवाड़ीअ जी। उनजी शुरूआति में जेको संवाद आहे उहो लिखनि था, हरीश गिरधर खे संवाद ॾिनो आहे, पुराणी बस्ती त इहा ई आहे पर मिस्टर आर के रामचंदाणी जो मकान किथे हूंदो? अखबार में ॾिनल एड्रेस खे हिकु भेरो वरी थो पढ़ी ॾिसां, खीसे मां अख़बार जो कागर कढी खोले ॾिसे थो, इश्तिहार पढ़ंदे हिकु मकान मसवाड़ लाइ खाली आहे। रमेश गंगाणी साहिब जी उमिरि बि 75 साल आहे ऐं असांजी आज़ादीअ खे 76 साल थी विया आहिनि। मंगाराम मलकाणी साहिब सिंध में पहिरीं बि लिखंदो ऐं हिंदुस्तान में अचण खां पोइ बि लिखिया लिखंदो रहियो आहे। 1980-81 ताईं मुंहिंजी रचनाऊं मिलनि पई जेसिताईं मूंखे यादि आहे। सिंधी भाषा जो फ़र्क़ु ॿिनि लेखकनि जे संवादनि में मूं ॾेखारण जी कोशिशि कई आहे त आज़ादीअ जे 76 सालनि में सिंधी लिखण में केतिरो न फ़र्क़ु अची वियो आहे। सिंधी साहित्य जे किताबनि में अहिड़ा जाम मिसाल मिली सघनि था। सिंध में ॼावल ऐं भारत में ॼावल साहित्यकारनि जी भाषा में ई न, पर सिंध में ॼावल हिंद में अची साहित्य सृजन करण वारनि जी भाषा में बि बदिलाउ अची वियो आहे। मकाले जे उनवान ते अचण खां पहिरीं अचो त ॾिसूं सिंधी भाषा ऐं सिंधीअ जी लिपीअ जो इतिहास। इन खां पहिरीं ॾिसूं भाषा जो विकास। भाषा जो विकास कीअं थियो? डॉक्टर सुरेंद्र भटनागर पंहिंजे किताब संस्कृत भाषा का वर्ण विज्ञान जे पेज नंबर 5 ते सृष्टि जी रचना जे बारे में ॿुधायो आहे त चिदंबरम शिव अपनी आनंद तांडव मुद्रा में सृष्टि करता है। उनके एक हाथ में अग्नि है जो गति का प्रतीक है, तो दूसरे हाथ में डमरू है। इस डमरू के बोलों से ही शिव सृष्टि के बीजाक्षरों को जन्म देते हैं। डमरू के नाद से वह प्रत्येक रूप का ध्वनि प्रतिरूप बनाते हैं और पाणिनि ने उन्हीं ध्वनियों को पकड़कर प्रत्याहारों की रचना की है। यानी शिव जो मतलब तांडव के है डमरू वजाए तो उन शब्द की रचना थी ऐं उन शब्दनि खे या उन्हनि जी जेका ध्वनि आहे उनखे पकड़े करे पढ़णी व्याकरण ठाहियो आहे। यानी शिव जी डमरू जी आवाज़ मां न रुगो वर्ण पर वर्ण जा उच्चार उन्हनि जी बि उत्पत्ति थी आहे। भाषा जे हर वर्ण ऐं व्यंजन ते आचार्य अभिनव बोध पंहिंजनि ग्रंथनि तंत्रलोक ऐं तंत्रसार में विस्तार सां ॿुधायो आहे। भारतीय भाषा विज्ञान लेखक आचार्य वाजपेयी पेज 56। भाषा कीअं पैदा थी ते पंहिंजा वीचार हिन रीति ॿुधाया आहिनि। शब्द एक प्राकृतिक पदार्थ है। मनुष्य ने अनेक प्राकृतिक पदार्थों को अपने काम में लिया है, उसी तरह शब्द को भी लिया है। भाषा का प्रादुर्भाव या निर्माण एक आश्चर्य की चीज है। कैसे भाषा बन गई? क्या भगवान ने भाषा बना दी? कुछ लोगों का ऐसा ही विश्वास रहा है, ठीक भी है। जब कोई चीज समझ में नहीं आती तब और कहा भी किया जाए, परंतु भगवान ने भाषा मनुष्य को कैसे दी? क्या वे सबको सिखा गए? तब फिर संपूर्ण संसार की भाषा एक ही क्यों नहीं? वे किस रूप में भाषा सिखाने आए? आए मनुष्य रूप में ही। नर भी नारायण का अंश अवतार है। यो नर नारायण ने भाषा को जन्म दिया है। नर और नारायण ने भाषा को जन्म दिया है। हिते रुगो एतिरो त भाषा किथां कई उन जी ॼाण हाणे सिधो अचूं था सिंधी भाषा जी उत्पत्तिअ ते या उन जे विकास ते।
पारणी भाषा ए व्याकरण ठाय आए जेको संस्कृत में आए। संस्कृत सबनी भाषाओं की माव आए, पर प्रेम तोलाणी साहब पंहिंजी किताब भाषाओं की भाषा सिंधी में सिंधी भाषा के सबनी भाषाओं की जननी बुधायो आए। इन साहब किताब के कवर पेज ते वण लिखारो आए, उन दी जड़ में सिंधी लिखारी आए। मां वो किताब खणी आयो आया, सायो करे न खणी आयो आया, ताकि तां प्रेम तोड़ने खां वो किताब घुराए करे ऐं पढ़ी ॾिसो ऐं सिंधी भाषा केतिरी शाहूकार आहे, उन जो मज़ो आणे सघो। हिन साहिब हिन किताब में घणनि ई विद्वाननि जा राया पेश कया, जीअं जॉर्ज ग्रेसन, अर्नेस्ट ट्रंप, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर एस आर राव, अलेक्जेंडर कैनिंगम, लैंगिंडन, हंटर स्मिथ ऐं सुधांशु कुमार, जिन सिंधीअ खे मूल में इन जी लिपीअ खे मूल मञियो आहे। डॉक्टर रामनिवास शर्मा, जैं भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी इन भागन में लिखो है, उनके पेज नंबर 9 के पहले भागे में लिखे तो डॉक्टर शर्मा, अपनी खोज के आधार पर सिंधी को 100,000 वर्ष पुराने बीजों वाली और कम से कम 26,000 वर्ष पुरानी भाषा माना है। साको ये पेज नंबर 9 ते लिखे तो 1853 में अंग्रेजों द्वारा जॉर्ज स्टैक के विरोध के बाव के बाद भी मुस्लिम दबाव के चलते 28 से 32 अक्षरों वाली अरबी फारसी लिपि के आधार पर 52 अक्षरी लिपि सिंधी हम पर थोपी गई। आई रिपीट इट, डॉक्टर शर्मा ने अपनी खोज के आधार पर सिंधी को 100,000 वर्ष पुराने बीजों वाली और कम से कम 26,000 वर्ष पुरानी भाषा माना है। अंग्रेजों द्वारा जॉर्ज स्टैक के विरोध के बाद भी मुस्लिम दबाव के चलते 28 से 32 अक्षरों वाली अरबी फारसी लिपि के आधार पर 52 अक्षरी सिंधी लिपि भाषा हम पर थोपी गई। इन ते ॻाल्हि पोइ कंदासीं। अचो त पहिरीं ॾिसूं त भाषा ऐं उन जा कहिड़ा कहिड़ा परिवार आहिनि। पूरी दुनिया में कुल मिलाए करे 51 कुटुंब असांजी भाषा जा आहिनि। उनजी हीअ टेबल आहे, मां टेबल तव्हांखे रुगो ॾेखारियां थो, जेकर तव्हां चाहींदा त इहो टेबल मां तव्हांखे शेयर थो करे सघंदुसि। इन भाषा में ई जेको आहे इंडो ईरानियन जो हिकु ग्रुप आहे, उन इंडो ईरानियन में ई हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी बि आहे, ईरानियन आहे, फारसी आहे, पाश्तो आहे, कुर्दुश आहे ऐं तज़की आहे। त इन इंडो ईरानियन में जेके टे उपशाखाऊं आहिनि, ईरानी, दार्दिक ऐं भारतीय आर्य शाखा, हिन भारतीय आर्य शाखा में शामिल आहे सिंधी भाषा। प्रोफेसर रामलास शर्मा जे मुताबिक़, जेकॾहिं भाषा जो अभ्यास खेत्र जे हिसाब सां, छो त जेको इंडो यूरोपियन लैंग्वेजिस जी स्टडी कई वई आहे, उहा स्टडी कई वई आहे जोग्राफिकली। जेकॾहिं जोग्राफिकली स्टडी करणी आहे त पोइ स्टडीअ जो आधार भारत जो मध्य देश छो कोन थो थी सघे, यानी सेंटर पॉइंट छो कोन थो थी सघे। असीं इंडो यूरोपियन खे छो खणूं, असां यूरोप खे स्टडी छो कयूं? वाई नॉट विथ दी कंपेरिज़न ऑफ इंडियन लैंग्वेजिस विथ इंडियन लैंग्वेजिस। त रामलाल शर्मा उहा ई कोशिशि कई आहे। मां हिते इहा चवण जी कोशिशि कंदुसि असांजे जेके बि लिंग्विस्टिक आहिनि, जेके असांजा प्रोफेसर्स आहिनि, उन्हनि खे त महिरबानी कयो, हाणे जेको इहो चश्मो आहे न मचो, हिनखे अंग्रेजनि जे चश्मे सां सम्झ ॾिसो। गोरी चमड़ी ही जेका आहे उहा सभु कुझु ॼाणे, असांजी कारी चमड़ी वारा बि घणा ॼाणनि। जेकॾहिं असांजो भेण सुहिणियूं आहिनि त असांजा भाउर बि सुहिणा आहिनि न, त भई सुहिणा भाउर ऐं सुहिणियूं भेनरूं मिली करे छो कोन सिंधीअ ते वरी रिसर्च कयूं, ऐं इन जो स्कूल जेको इंडो आर्यन आहे या यूरोप यूरोपियन इंडियन आहे, वाई नॉट विथ दी इहो
इंडियन लैंग्वेजेस के कई इंडियन लैंग्वेजेस से मिली करे स्टडी कदा तो समझा तो भारत की जी भाषाओं हैं उनमें सिंधी जो असर है सिंधी जो भारत की बिन भाषाओं से असर साफ साफ चिटो चिटो चवी कुछ मिसाल पेश करने की कोशिश कर भारत ज भारत की जमीन का सुठी ही का जगह को छो तो इतने चैन भाषा परिवार जो इतिहास शुरू का आखिर तक मौजूद है आर्य द्रविड़ कोल ए लाक इन्हें जो गहरो संबंध यूरोप एशिया की भाषाओं से चाहे ये कड़ा भी हुजन इनसा इंडो या भारत जुड़ियल है पेज नंबर 12 भागो पैरों रामविलास शर्मा इन साहब हिंदी के विच में रखी भारत के विचे भागे यानी मध्य प्रदेश जैमें छत्तीसगढ़ भी अची तो वे एरिया जो आधार बनाए अभ्यास कर टिन भाग में पंजा राया पेश क्या पहले भागे के पंचे अध्याय में आर्य भाषा और सीमांत भाषाओं में सिंधी ए कश्मीरी की पूरी पूरी उन जान दिनी है पेज नंबर 291 का वी 325 तीन माना सिंधी ए कश्मीरी बिन्हीं जो कंपेरेटिव स्टडी है उनकी खासियत जी है उनमें दिनल है सिंधी भाषा के ध्वनि शब्द में रूप तंत्र की जान दीदी है हिंसर ध्वनि तंत्र से गोविंद माया साहब के गाल चई पे जैसे चयों पे उनस हि जो भाषा तंत्र जी उपकार की भाषा है उनको तो अच्छे दसो सिंधी उस आर्य भाषा समुदाय के अंतर्गत है जिसमें मूर्धन्य स्पर्श ध्वनिया प्रमुख थी सिंधी भाषा के विवेचक ट्रंप मानते थे कि प्राकृतों से जैसा घनिष्ठ संबंध इस भाषा का है वैसा अन्य किसी भारतीय आर्य भाषा का नहीं है किंतु प्राकृतों में कहीं भी मूर्धन्यता के लिए वैसा आग्रह नहीं है जैसा सिंधी में है इसलिए ट्रंप ने अपने सिंधी व्याकरण में लिखा है अंडरलाइन सिंधी में दंत्य ध्वनियां अपने प्रतिरूप मूर्धन्य ध्वनियों के लिए स्थान छोड़ देती है और आत्मसमर्पण वृत्ति इतनी प्रबल है कि सिंधी की व्यंजन व्यवस्था इस मामले में पुरानी प्राकृत व्यवस्था से स्पष्टतः और तत्व भिन्न है संस्कृत और जनपद्य भाषाओं के बहुत से शब्दों में जहां दंत्य ध्वनि है वहां सिंधी मूर्धन्य ध्वनि का व्यवहार करती है जैसे दीर्घ मित्र क्षेत्र यात्रा निद्रा ताम्र कुदाल दस चौदह आदित्य दिवस तोड़ना देना इनके सिंधी प्रत्यय रूप जिके उन्हें दिना है डिघो पुत्र मित्र चंद्र क्षेत्र मंत्र यात्रा निंड टामो कोडर डह चोडह डिंह तारण डिण वगैरह वगैरह मध्य प्रदेश की भाषाएं दंतीय मूर्धन्य ध्वनियों का सामूहिक प्रतिस्थापन नहीं करती सिंधी के लिए क वर्गीय ध्वनियां ही प्रधान है अतः वह 2500 मध्य देशीय शब्दों को अपनी ध्वनि प्रकृति के अनुरूप ग्रहण करती हैं मध्य प्रदेश में ये ध्वनियां सिंध सौराष्ट्र की ओर से आई हैं त वर्गीय ध्वनियां सिंध में मध्य प्रदेश से पहुंची हैं ये ध्वनियां ईरान में भी हैं किंतु वहां ध नहीं है वहां टै वर्ग के ध्वनियों का भी पूर्ण अभाव है अतः पूरी स्थिति देखकर यही कह सकते हैं कि त वर्ग के ध्वनियां सिंधी में ईरान से नहीं मध्य प्रदेश से पहुंची है ऋ के मामले में सिंधी बांगरू के अधिक निकट है किंतु बांगरू के समान ही यह उसकी प्रधान राशिक के ध्वनि नहीं है ध के अतिरिक्त उसमें न, न, न और न भी खूब व्यवहार में होते हैं
रामनिवास शर्मा जी बुधाय में सिद्धांत मोते मुताबिक सिंधी ईरानी न पर भारतीय शासक जी भाषा आए इन सा गड यूरोप या ईरान जुड़ने के बदरा असा के मध्य देशी भाषा के वेझो वही खड़ी वजन घुर्जे हाँ इन तहकीक यानी रिसर्च हो घुर्जे अज ढी ती मौजूद साहित्य के इतिहास मुताबिक सिंधी भाषा के इतिहास की थोड़ी सी विचूर रीत है। डॉक्टर मुरलीधर जेटले इलम लिसानियत के उसूल के बुनियाद से मिसाल दई सिंधी भाषा की ओसर बाबत तफसील से जाना है। जडे संस्कृत लोक भाषा में फ्री अदबी बोली थी तरह पाली आम बोली हुई। बो 1000 का अपभ्रंश के डाके से आई ए जुदा जुदा लोक भाषाओं में हिंदी सिंधी गुजराती वगैरह या सूरत उन्होंने इख्तियार किया माना 1000 का सिंधी भाषा जो उन्हें चार मंजिलों बुझाई पाली ईस्वी सन का 500 साल अग तई प्राकृत ईस्वी सन एक का वी 500 ईस्वी सन तई अपभ्रंश सिंधी 500 सन का वी 1000 ईस्वी सन तई हाणोकी सिंधी ईस्वी सन का वी 1000 का अपभ्रंश से सीधो लागापो इन रीत चई सकजे तो जदीद सिंधी बुनियादी तौर भारतीय आर्याई बोली आए इतने उन संस्कृत अपभ्रंश है हिंदी एंड सिंधी जहाँ कुछ उदाहरण भी दिना जी कर्म अपभ्रंश कम हिंदी काम है सिंधी में कम बावन के छड़ा पे अगे तो वा पो हाँ दिसण में अचे तो कि सिंधी जो हिंदी के भेट में संस्कृत है अपभ्रंश का वधिक संबंध है। भेजो बहुत जरूरी हो तो आप मंच पर आ जाए नहीं हाँ आप ही से कह रहा हूं हाँ सिंध जैसे अरबन यानी मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी का उन्होंने कहा कई है 200 साल राज किया है उन वक्त सिंधी अपभ्रंश की मंजिल से हुई अपभ्रंश सिंधी से अरबी फारसी लफ्जन जो असर पवण लाजमी हो सिंधी में ज ज ज फ ये जो चार लफ्ज हैं वे अची वह हाली उन्होंने सूरत इख्तियार कई है उन अंग्रेजी हर जुदा जुदा बोली जो असर है वे इन्हें पवन था पा हाँ जो असं सिंधी जो सब कॉन्टिनेंटल है उनमें ऐसू तो असानी आदमशुमारी जेका सिंधी गाले थी पी जेका सोर्स विकिपीडिया में मिले हैं उनमें चवन था तो दुनिया में 40 मिलियन जो सिंधी गाले था पा भारत में 68 लख 10,000 पाकिस्तान में 3 करोड़ 29 लख 23,000 590 यूएसए में 50,000 यूएई में 40,000 मानू सिंधी गाले रहा है। असी सिंधी भाषा भाषी पान के सिंधी मातृ जा या सिंधी इंडस वैली की सभ्यता जा वारिस मनू था इन नाज क्यों था सिंधी भाषा की पैंती 1000 साल का अरसे की आला रवायत है। सिंधी में तमाम वटे अंदाज में सीधे में साढ़े लोक अदब लिखित में साहित्य मौजूद है। जैसे लिखण पढ़ण शुरू न थो तरह श्रुति ए स्मृति के आधार से असो साहित्य जो वो अग्न वो भाषा भी असानी भी साहित्य भी असो हो अज ही एक व्हाट्सअप से मैसेज आयो कि जैसे गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी हुई तरह महात्मा गांधी अंग्रेजन के असान भारत की जी एजुकेशन पॉलिसी है एजुकेशन सिस्टम है उनके नस्ते नाबूद कर छो तहे अचण का पैरें बंगाल एंड केरल में असे हर एक गाँव में स्कूल हुआ उनमें जो शिक्षा दिनी वी हुई यो ही सिलसिलो सिंध में भी हो सिंध में माता बुधा तो जैसे 1849 में पर्यों कॉलेज स्थापित किया कराची में
तेसी ताईं असांजे सिंध जे हर हिकु गांव में गुरुकुल व्यवस्था में जेके पंडित हुआ असांजा आचार्य उहे सिंधी जी शिक्षा ॾींदा हुआ। सिंधी जो गुण बुनियाद बाबति पंहिंजा पंहिंजा राया जेके आहिनि उहे अलॻि अलॻि आलिमनि जेके पेश कया आहिनि ऐं सिंधीअ जे बुनियाद जेको गुण बुनियाद आहे उनजे नज़रिए सां जेको आहे उनखे ॿ नज़रिया ॾेई सघूं था। हिकु जेको आहे संस्कृत जे पक्ष में आहे ऐं हिकु संस्कृत जे ख़िलाफ़ आहे। सिंधी संस्कृत मां निकितल आहे ऐं संस्कृत सिंधीअ मां निकितल आहे, इहे ॿई अलॻि अलॻि पक्ष आहिनि, उन्हनि ते वधीक मां चर्चा नथो कयां पियो। संस्कृत जे पक्ष में आहिनि जेके ओढ़ जा विद्वान ट्रंप स्टैक ग्रियसन ऐं मिर्चा कलिसगे, डॉक्टर मुरली दास जेटली साहिबु इल्म निशानियात जे उसूलनि जे बुनियाद ते मिसाल ॾेई सिंधी भाषा जी ओसर बाबति तफ़सील सां ॼाणायो आहे त जॾहिं संस्कृत लोक भाषा मां फ्री अदबी ॿोली थी तॾहिं पाली आम ॿोली हुई ऐं 1000 खां पोइ अपभ्रंश जे ॾाके ते आई ऐं पोइ जुदा जुदा लोक भाषाउनि में हिंदी सिंधी गुजराती वग़ैरह वग़ैरह में सूरत अख़्तियार कई आहे। आलिमनि इन ते ख़ासियतुनि ऐं गुण बुनियाद ऐं ओसर ते पंहिंजा आलिमाणा वीचार पेश कया आहिनि, जीअं जॉर्ज ग्रियसन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जेको अठों जुल्द आहे उन 1919 में छपियो आहे, उहो चवे थो सिंधीअ जो सिधो ऐं क़रीबी नातो ब्राचड अपभ्रंश सां आहे। अॼु बि इन में केतिरियूं अहिड़ियूं ख़ासियतूं मौजूदु आहिनि जेके कुझु सदियूं अॻु ब्राचड में हुयूं। जयरामदास दौलतराम उन्हनि मार्कंडेय जो उदाहरण ॾींदे चयो आहे त सिंधीअ जो विकास ब्राचड अपभ्रंश मां न बल्कि सिंध में प्रचलित अपभ्रंश जी बोलचाल वारे रूप मां थियो हूंदो, जंहिंखे हुन साहिब सिंधी अपभ्रंश कोठियो आहे। मिर्ज़ा कलिजबे सिंधी व्याकरण जो जेको टियों भाॻ हुनजो छपियो आहे, उन में चवनि था सिंधी प्राकृत जी धीअ ऐं संस्कृत जी ॾोहिटी आहे, इहा असुलु हिंदुकी ज़ुबान आहे, तंहिं करे मंजिस बेशुमार लफ़्ज़ उहे आहिनि जेके प्राकृत जे मार्फत संस्कृत मां वरितल आहिनि, जिन मां घणा सूरत बदिलाए कमु अचनि था। मिर्ज़ा कलिज जो जेको ही सेंटेंस आहे उनखे मां वापसि थो पढ़ां, इहा असुलु हिंदुकी ज़ुबान आहे, इहा असुलु हिंदुनि जी ज़ुबान आहे ऐं इहो असर ई जेको आहे न उल्टो पइजी वियो हली जॾहिं 1853 में अरबी फारसी लिपी अची वई। चलो होचंद गुरबख्शाणी साहिब शाह जो रसालो उन में चवनि था सिंधीअ जे गुण बुनियाद बाबति पंहिंजो रायो ॾींदे चवे थो त सिंधीअ में आर्य ॿोलियूं हिकिड़े ई वण जूं शाखूं आहिनि, उहो वण आहे संस्कृत। ऐं भेरूमल महरचंद पाण इन तहक़ीक़ी पुस्तक में सिंधी ॿोली जी तारीख़ इन में उहा साॻी लाइ पेश कई आहे। जतोई ऐं अलाणा साहिब चवनि था सिंधी मुल्तानी पंजाबी ऐं कश्मीरी उन ॿोलियाई सथ मां निकितियूं आहिनि जेको भारतीय आर्य सथ ऐं ईरानी सथ जे विच जी कड़ी हूंदी। वरी ॿिए पासे अलाणा साहिब चयो थो त सिंधी ॿोली गैर आर्याई ॿोली आहे जंहिंखे सैंधव कोठे सघिजे थो। हू पंहिंजी किताब सिंधी ॿोली जो गुण बुनियाद में ॼाणाए थो त सिंधी ॿोली बुनियादी तौर गैर आर्याई ॿोली आहे जंहिंखे सैंधव ॿोली यानी सिंधी ॿोली चई सघिजे थो। फणीश्वरनाथ चयो आहे कि सिंधीअ में हज़ारे शब्दों की व्युत्पत्ति के आलोक में हम हिंदी के तत्भव शब्दों की जड़ों तक जा सकते हैं, यानी सिंधीअ जे ज़रिए ई असीं हिंदीअ जी जेकी जड़ुनि में अखर आहिनि उन्हनि ताईं पहुची सघूं था पिया। लीलाराम रुचंदानी सिंधी संस्कृत खां बि पुराणी ॿोली आहे। पोपटी हरानंदानी सिंधी ऐं संस्कृत पाण में भेनरूं आहिनि। यशोदरा वाधवाणी
सिंधी के खासियत बेन आलमन के राय की उनाई से भेंट कदे जड़ाए थी तो सिंधी में विराचित तोरे नागरी भाषाओं शामिल है। अपभ्रंश बिन्हीं जो गडिल मिसाल मिसाल दियन था पाया उन्हें उनमें मौजूद है नागरिक नागरी अपभ्रंश मौजूद है। तो अर्नेस्ट ट्रंप साहब संस्कृत में निकल जी बोलियन उन्हें प्राकृत रूप कायम रखने के ख्याल का सिंधी जो दर्जो अव्वल समझण घुर्जे। इन वक्त जैसे हिंद जो बे मकानी बोलियो मुकम्मल फरियल हालत के वही रसियो हैं तदें भी सिंधी पैंजी अवायली सूरत कायम रखे सके थी पे। जॉर्ज स्टैक चवे तो 1853 में सिंधी बोली दियो के अड़ी खूबियो हैं जेके इल्म निसानियत जे आलमन लाए दिलचस्प साबित थी सगन थियो। इनमें रिचर्ड बर्टन भी है स्मृति कुमार चटर्जी है ये सभी इन सिंधी की भाषा की जी है सारा कई है भारत सभी के नो पढ़ा पो पर हाँ मैं अचा तो सिंधी जी का बोली एडी शाहूकार उनकी उपबोलियो या जो डायलैक्ट्स हैं उड़ी कड़ी हैं सिंधी में एक चवणी है बारहें कोहे बोली बी ए सिंधी जो जो जोग्राफी इलाको है उनके आधार से असो उपबोलियो एक सिरोली विचोली लाड़ी थरी कच्छी ए लासी। सिरली जी बोली है वह उनकी पखेड़ जी है सिंधु नदी के ओभर में खैर खैरपुर का वी उबाड़े ती ए दादू जिले के सेवण का लाड़काने जैकमाबाद के कश्मोर ती लिखे थी। इतने की बोली के सिरोली कोठे वजे तो पो इन उपबोली जो असर सिंधी के पहले शायर काजी कादन के कलाम से साफ नजर अचे तो पो ए सचल सरमस्त पिण इन में काफ़ी शेर चाहिए। विचोली बोली सिंध के विच वाले भाग में जहाँ उपबोली गलाई वी है तंखे विचोली कोठे तो उनमें है नवाब शाह हैदराबाद ए सिंध के ओलह वाले खेत्र में विचोली जो वायदो है। सिंध में अंग्रेजन की हुकूमत शुरू थियण बैद दस्तूरी शिक्षा सरकारी कारोबार अखबारों ए साहित्य लाए विचोली बोली जो ही इस्तेमाल थियण लगो। इन रीत इन उपबोली सिंधी के मयारी रूप जो दर्जो हासिल किया है ए चवण में को वधाव नी तो ये सिंधी की मयारी बोली है। टों लाड़ी सिंध के दखण में हैदराबाद जिले के बदीन तालके का गुनी तालके तई ए सजो कराची जिलो जैसे लाड़ कोठ जो तो इतने या उपबोली गाई थी वे शाह करीम ए शाह लतीफ के कलाम में लाड़ी जो वो वायको है। कच्छी सिंध के थरपारकर नगर पारकर ए भारत में गुजरात के कच्छ जिले की बोली के कच्छी कोठजे तो ए कच्छी के कच्छी से गुजराती जो असर भी चिटो नजर अचे तो कच्छी में अनेक किताब छपजी चुका है उपबोली में पिण घो लोक साहित्य मिले तो मुख्य खुशी है कि कच्छी कच्छ में जो लोक साहित्य मिला उन डॉक्टर जेठो लालवाणी साहब वही तहकीक कर वा मकाला जो है लिखा है। लासी सिंध के लस बेले कलात रियासत झालबाण के थोड़े हिस्से में ए मकरान में लासी उपबोली गाते थी। इंसान पैंजी भावान के जाहिर करण लाए बोली जो इस्तेमाल करे तो उनके लिखण लाए एक लिपि जो लिपि एक किस्म जो सिंबल है चिन्ह है जैजो को मुकर आवाज थे तो सिंधी भाषा की लिपि लिपि बाबत एक पैंजो विकास रो है जो वक्त वक्त लिखण जो सरिश्तों मुकर रो है। उन्हें जो कुछ हकीकतू पेश कजन थी अरबन ए मुगलन का पैरी कड़ी लिखी हुई अंग्रेजन का अग अंग्रेजन का पोए ए विराने का पोए। सिंध में सिंधी लाए मुख्य चार लिपियों बरबस कैलाशी प्लीज दिस विल डिस्टर्ब मी। सिंध में सिंधी लाए मुख्य चार लिपियों राइज हुई
देवनागरी आदि काल का आई अंडरलाइन इट देवनागरी आदि काल का ऋग्वेद संस्कृत में लिख रहा है और जी लिपि देवनागरी आए काजी कादन जो कलाम 1500 में लिख रहा है उन्हें जी लिपि देवनागरी आए हाने मां कुछ दिए अगर कैसा अगर आयुष के तो कह बुधाए तो शाह साहब भी पहले देवनागरी में लिखा है अच्छा लुंडा प्राकृत पालिया जे असर हेठ आई है गुरुमुखी गुरु ग्रंथ साहब जैसे 1568 में प्रकाशित हुआ है तदे अरबी फारसी जुलाई 1850 पढ़े फारसी बेचे थे एक तो यह पहाक पाए ऐसे ने भी पहाक हो फारसी घोड़े चढ़सी जेकर फारसी पढ़ियो तो दरबार में नौकरी मिलंदस माना जमींदारन मां नौकर थी वाले ऐ पोवर पाण के चवण लगो आमिल ऐ पंजे भा जो दुकानदारी ऐ हट पे हलायो या जमींदारी पे भी वो थी वो भाई बंद माना भाई बंद बाकी सब आ गया अच्छा लुंडा जी ओ सर ब्राह्मी लिपि मां थी आए भारत जो जेके भागन में लिपियों आए न वे ब्राह्मी मां यूज कला है कलवड़न जे वक्त में इन लिपि जो काफी बोलबालो हो संदन गादी जो स्थान खुदाबाद हो इन करे इन लिपि के पोए खुदाबादी गोठो वियो सिंधी कारोबारी लिख पढ़ इन लिपि में कदा हुआ इन करे इन के हटवाणकी या हटाई गोठो वियो यानी ब्राह्मी तो लुंडा तो खुदाबादी तो हटवाणकी तो क्वाजी यो डेवलपमेंट जो लिपि जो थियो आहे खैर असावट लिपि जेका है वह खाबे का साजे लिखी वेंदी हुई साजे का खाबे पासे न लिखी वेंदी हुई पीर सदर अलदीन 1290 का 1405 इन लिपि के आधार टाए 40 अखरी जो सरिश्तो शुरू कयो जैके क्वाजकी कोठो वियो आहे ऐं इस्माइली पीरन जी वाणी किनान यानी ज्ञान इन में ई लिखियलु आहे ऐं खुदाबादी लिपिअ में सिंधीअ जे सभिनी स्वरनि लाइ मात्राउनि जो पूरो इस्तेमालु न कयो वेंदो तंहिं हूंदे बि किन विदवाननि जो रायो आहे त इन लिपिअ में सुधारो आणे सिंधीअ लाइ तस्लीम कयो वञे ऐं कैप्टन जॉर्ज स्टैक इन लाइ सिफारिश कई हुई ऐं 16वीं सदी खां वठी सिंधी मुसलमान अरबी फारसी अखरनि जो इस्तेमालु सिंधी लिखण लाइ करणु लॻा ऐं 1700 ईसवीअ जो अबू अल हसन जो अरबी सिंधीअ में लिखियलु किताबु मुक़दमे अल सवाद आगाटे में आगाटो आहे यानी 1700 में असां वटि अरबी में कुझु लिखतूं मिलनि थियूं अचो इंसान पंहिंजे भावनाउनि खे ज़ाहिरु करण लाइ ॿोलीअ जो इस्तेमालु करे थो ऐं उन खे लिखण लाइ हिकु लिपिअ जो सिंधी लिपिअ जो इतिहास ॾिसूं था त सिंधी जी देवनागरी लिपि आगाटी आहे पर जुलाई 1853 खां पोइ सिंध जे हिंदुनि मथां मुसलमाननि जी घणाई करे अरबी फारसी लिपि थोपी वई पर तॾहिं बि 1909 ताईं मां इहो तहक़ीक़ करे चुको आहियां की 1909 ताईं ॾिसो 1853 जी जुलाई में जेका आहे न हीअ लिपि असांजे मथां अचे थी पई ऐं उन जा जेके विद्वान हुआ जेके उन में चारि हिंदू हुआ ऐं चारि मुसलमान हुआ उन में डॉक्टर जगन्नाथ ॾाढो वॾो विरोध कयो पर उन खां पोइ बि छो जो जेको चेयरमैन हूंदो न सदर उनजी वधीक हलंदी आहे त चारि हिकु पासे थी बीठा चारि ॿिए पासे बीठा ऐं सदर साहिबु जेको आहे उहो ईरान में रही आयो त उनजो असरु हिते असरु अरबी फारसी जो वधीक हो त हुन अरबी फारसीअ ते वोट ॾिनो मूं वटि उहे सभु डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स आहिनि जेके ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड कमिश्नर ऑफ सिंध जा थिया आहिनि त असां वटि सिंध में जेको आहे अरबी फारसीअ खे छो जेको आहे स्थापित कयूं छो उनखे जेको आहे कयूं छो जो मुस्लमान घणाई में आहिनि उन्हनि जो जेको क़ुर शरीफ़ आहे उन्हनि खे पढ़ण में उनखे पोइ दिक़त थींदी जेकॾहिं देवनागरी लिपि अची वेंदी हली हाणे मुस्लमाननि खे क़ुर शरीफ़ पढ़णो आहे हिन करे हिंदुनि खे बि अरबी फारसी अचणु घुरिजे केतिरो जेको आहे असां सां ज़ुल्म थियो आहे माना कॾहिं खां थियो आहे इन ते जेको आहे असांखे सोचणु घुरिजे
ਖੈਰ ਅਚੋ 1959 ਤਾਈਂ ਹਿੰਦੂ ਜੇਕਾ ਸਿੰਧੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਲਿਖਣ ਰਿਹਾ ਛੋ ਜੋ 1853 ਮੇਂ ਲਿਪੀ ਇਹ ਅਚੇ ਥੀ ਪਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮੇਂ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਸਟਾਰਟ ਨਥੋ ਥੇ ਪਿਓ 1857 ਮੇਂ ਜੇਕੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਪਹਿਰਿਓ ਆਂਦੋਲਨ ਫੇਲ ਥੋ ਥੇ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਮੇਂ ਸਿੰਧ ਮੇਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੋ ਆਂਦੋਲਨ ਇਹੋ ਹਲਿਓ ਪਰ ਉਤੇ ਵੀ ਜੇਕੋ ਆ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਨਥੀ ਸਕਿਓ ਉਹਨਾਂ ਮੇਂ ਸਫਲਤਾ ਸਾਖੇ ਨ ਮਿਲੀ ਇਨ ਕਰੇ ਮਜਬੂਰੀ ਮੇਂ ਜੇਕੋ ਆ ਪੋਇ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਈ ਸੀ ਪਰ 1990 ਖਾਂ ਪੋਇ ਜੇਕੋ ਕਿਤਾਬ ਛਪਜਣ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥਿਆ 1990 ਤਾਈਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਜਾ ਕਿਤਾਬ ਛਪਜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 1947 ਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਥਿਅਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਸਿੰਧੀ ਜੀ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਖੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਮੋਟ ਆਹੇ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਲ ਤੇ ਮੁੱਕ ਸਕਾਂ ਤੋ ਪਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਐਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਾਂ ਪੋਏ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਖੇ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਐਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇ ਜੋੜ ਜੁੱਟ ਮੇਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਜਿਹਨੇ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੇਂ 10 April 1968 ਤੇ ਤਦੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਮੇਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕਾਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੇ ਰੋ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ 3B9B ਮੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਟੂ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਦ ਯੂਜ ਆਫ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਐਂਡ ਟੂ ਐਨਕਰੇਜ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦੈਟ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਆਫ ਸਿਲੈਕਟਡ ਬੁੱਕਸ ਇਨ ਐਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਪਰ ਉਹਦੇ ਖਾਂ ਪੋਇ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਮੇਂ ਸਿੰਧੀ ਦਾ ਕਿਤਾਬ ਛਪਜਨਿ ਥਾ ਐਂ ਉਹਨ ਮੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਏ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਦਿੱਲੀ ਜੀ ਬੁਧਾਇਓ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ 150 ਜਾਂ 200 ਕਿਤਾਬ ਛਪਾਈਦਾ ਆਹੀਂ 150 ਕਿਤਾਬ NCPS ਖੇ ਮੋਕਲਿੰਦਾ ਆਹੀਂ ਬਾਕੀ ਕਿਤਾਬ ਜੇਕੋ ਆ 5-5 ਰਹਿ ਕਾਪੀਆਂ ਸਪੈਸੀਮੈਨ ਜੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਮੈਂਬਰਸ ਖੇ ਮੋਕਲਿੰਦਾ ਆਹੀਂ ਐਂ ਕੁਛ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਾਂਜੀ ਸੇਲ ਜੇਕਾ ਹੈ ਉਹ 0% ਹੈ ਹਾਣੇ ਇਹਨੇ ਜੋ ਅਸਲ ਤੋਂ ਮਾਲਿਕ ਬੁਧਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਭਗਵਾਨ ਭਵਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਂ ਬੈਠੋ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਿਨ ਸਾਲ ਯੁਵਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਦੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਵਟ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਕੋਨੇ ਕੋ ਤੋ ਯੁਵਾ ਅਰਬੀਅਨ ਮੇਂ ਲਿਖੇ ਹੀ ਕੋਨ ਤੋ ਜਿਹਨ ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਅਗੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੀ ਸਕੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕੂ ਕਿ ਆਹੀ ਕਿਤਾਬ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਦਿਓ ਜੇਕਰ ਕਿ ਲਿਖੇ ਵੀ ਤੋ ਉਹ ਦਾਦੋ ਦਾਦੀ ਯਾਰ ਨਾਨੋ ਨਾਨੀ ਮਾਮੋ ਮਾਮੀ ਇਹ ਜੇਕੋ ਆ ਕਿਤਾਬ ਅਰਬੀ ਮੇਂ ਲਿਖੀ ਕਰੇ ਬਾਰਾਂ ਕੇ ਇਨਾਮ ਪਿਆ ਦਿਆ ਰਹੀ ਕਿਹਦੀ ਸੋਚ ਜੀ ਆਣਾ ਹੈ ਮੁੰਹਜੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਂ ਸਿੰਧੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਦੀਆਂ ਸਲੇਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥੀ ਰਿਹਾ ਵਿਰਾਣੇ ਖਾਂ ਪੋਇ ਸਿੰਧ ਜੀ ਜਾਗ੍ਰਾਫਾਈ ਰੂਪ ਬੋਲੀ ਜੋ ਤਫ਼ਾਵਤ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਥੀ ਵਿਯੋ ਐਂ ਉਹ ਮਾਇਆਲੀ ਸਿੰਧੀਅ ਦੇ ਵੇਝੋ ਈਂਦਾ ਪਿਆ ਵਜਨਿ ਹਿਨ ਹਿਤ ਸਿੰਧਨਿ ਬੋਲੀਅ ਮੇਂ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਲਫ਼ਜ਼ਨਿ ਜੀ ਭੇਟ ਮੇਂ ਮਾਇਆਲੀ ਹਿੰਦੀ ਮਰਾਠੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਐਂ ਆਮ ਵਾਇਪੇ ਵਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ਨਿ ਜੋ ਵਾਇਪੋ ਵਧੀ ਵਿਯੋ ਆਏ ਹਿਤੇ ਜੇ ਸਿੰਧੀਅ ਮੇਂ ਗੋਠਾਣੀ ਜੀਵਤ ਐਂ ਸਿੰਧ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂ ਲਾਗਾਪੋ ਰੱਖਣਦੜ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੀਅਂ ਤ ਉਕਰੀ ਮੁਹਰੀ ਮੰਦਿਰੋ ਵਗੈਰਾ ਨਥਾ ਅਚਨ ਪਿਆ ਇਸਲਾ ਜੀਅਂ ਤ ਹਾਈ ਗੋਲਾ ਮਚਾਇਣ ਬਗਦਾਦ ਥਿਅਣ ਐਂ ਜਾਵਾ ਕਰਣ ਪਹਾਕੋ ਜੀਅ ਧਣ ਤੋਂ ਧਣੀ ਨ ਤ ਵਿਕਣ ਕਣੀ ਖੇਤੀ ਸਿਰ ਸੇਤੀ ਐਂ ਹੁਜਈ ਨਾਣੋ ਤ ਧੁਮ ਲਾੜ ਕਣ ਵਗੇਰ ਨ ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਆ ਥਾ ਵਜਨ ਨਾਰਾਇਣ ਸ਼ਾਮ ਯਾ ਤੋ ਚੇ ਵਰੀ ਰੁਨ ਜੇ ਫਰੇਬ ਮੇਂ ਨ ਅਚੀ ਛਾ ਕਹੇ ਕਮਾਲ ਜੇ ਉਨ ਹੁਜਈ ਹਾਂ ਤ ਬਚਣ ਹੋ ਘਣੋ ਮਹਾਲ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਸਿੱਟੂ ਸਿੰਧੀ ਸਮਾਜ ਸਾਂ ਲਾਗੂ ਥਿਅਣ ਥਿਓ ਪਰ 70 ਵਾਰੇ ਚਾਹਟ ਤਾਈਂ ਛੋ ਤੈ ਰੁਨ ਬਈ ਉਨ ਬਈ ਐਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਗੋਲਾ ਬਈ ਛੋ ਜੋ 70 ਵਾਰੇ ਡਹਾਕੇ ਤਾਈਂ ਸਿੰਧੀ ਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਵੇਂਦੀ ਵੀ ਐਂ ਚੰਗੀ ਤਾਦਾਦ ਮੇਂ ਮੁਲਕ ਮੇਂ ਸਿੰਧੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਵਾ
पर धीरे धीरे बंद थींदा छाकाणि त माइटनि ॿारनि खे शिक्षा सिंधीअ बदिरां अंग्रेजी हिंदी ऐं किन प्रांतीय भाषाउनि में छो जो गुजरात में गुजराती थियणु ज़रूरी आहे इन करे गुजराती में मराठी में ॾियणु लॻा। शिक्षा सां गॾोगॾु घरनि मां बि सिंधी ॿोली धीरे धीरे ॻाल्हाइणु बंदि थींदी पई वञे। जिते सिंधी ॻाल्हाइणु बंदि त पढ़णु बंदि, लिखणु बंदि थी वियो आहे ऐं लिखणु पढ़णु बंदि थियण करे अख़बारूं बंदि थी वियूं आहिनि। त रसाला बि हाणे पूरे भारत में ॻण ॻणिया छपजी रहिया आहिनि। सिंधी ॿोली भाषा ऐं साहित्य हाणे पोयनि पसावनि ते आहे। अॼु जे वक़्तु जेकॾहिं लिखणु पढ़ण जी ॻाल्हि कंदासीं त सभ खां वॾी ॻाल्हि थी अचे रोज़गार जी। अॼु जे वक़्तु सिंधी भाषा सां रोज़गार न आहे। हिन वक़्तु राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्य शिक्षा लाइ सहायक प्रोफेसर जी जॻहियुनि खे भरण लाइ इश्तिहार ॾिनो आहे। हुन ते एप्लीकेशन सिखी विया आहिनि। 31 मार्च ते पेपर आहे हुनजो। त हुन में जेके SC ST आहिनि उन लाइ कुल मिलाए करे अॼु ताईं जेको मूंखे ॼाण मिली आहे 15-16 एप्लीकेशन्स SC ST में आहियूं आहिनि। महिला लाइ हिकु पोस्ट रिज़र्व आहे, उन में बि 14-15 एप्लीकेशन्स आहिनि। ऐं जनरल कास्ट जो उहिदे लाइ हिकु पोस्ट आहे, उन लाइ 35-36 एप्लीकेशन्स आयल आहिनि। माना इहो तइदादु असां वटि सिंधी MA कयल या NET जेको आहे सिलेक्ट कयल ॿार जो आहे। हिननि में बि शिक्षा जेका आहे उहा ॾाढी घटि आहे ऐं कुझु घरनि ताईं महदूद रहियल आहे। इन करे एप्लीकेशन्स ॾाढियूं घटि आहियूं आहिनि। ॾाढी सिंधी भाषा सां बिल्कुलु रोज़गार न जे बराबरि आहे। हीअ जेकी पोस्ट निकितियूं आहिनि उहे 20-30 सालनि खां पोइ निकितियूं आहिनि। हिकु टियों कारण आहे सिंधी भाषा खे ख़तमु थियण जो, सिंधी समाज में ॿी जातीअ में शादीअ जो। छोकिरी ॿी जातीअ में पढ़णी त भले चवण में हुन ॿार जी मातृभाषा सिंधी हुजे, पर छो त माउ खे ई सिंधी नथी अचे ऐं भारत जो समाज पुरुष प्रधान आहे, त मातृभाषा जे बदिरां पितृभाषा ॿार सिखी रहियो आहे। जेकॾहिं छोकिरे ॿिए समाज मां शादी कई त हुन जे ॿार जी मातृभाषा हुन जे जाति जे माउ जी हूंदी, छो जो हिते पीउ पाण सिंधी नथो ॻाल्हाए त उन ॿार जी पितृभाषा बि सिंधी नथी बणिजी सघे। भाषा जो हिकु चक्र आहे, ॿार पहिरीं भाषा ॻाल्हाईंदो, पोइ सिखंदो, तंहिंखां पोइ पढ़ंदो। पढ़ण जो शौक़ु जॾहिं चढ़ंदुसि त हू पंहिंजी ॿोली ऐं भाषा जो इतिहास ऐं साहित्य सां जुड़ंदो, संगीत सां जुड़ंदो, लोक वर्षे सां जुड़ंदो, तॾहिं ई साहित्य ऐं समाज जो विकास थी सघंदो। सिंधी साहित्य में संगीत हिन वक़्तु मरण कंधीअ ते आहे। अॼु ज़रूरत आहे हिन खे भाषा रूपी ऑक्सीजन जी। भाषा खे ज़रूरत आहे ॿोलीअ जी, ऐं ॿोली बचंदी त भाषा बचंदी। ॿोली ॻाल्हाइण सां ई अची सघे थी। इन लाइ ज़रूरत आहे त पहिरियों घर में कहिड़ी बि हालति हुजे, चाहे असांजे सिंधी घर में ॿार जी माउ ॿी जाति जी आहे, तॾहिं बि असांजा वॾा जेके ॾाॾो ॾाॾी नानो नानी ॿारनि सां सिंधी में ई ॻाल्हाइनि। ॿारनि खे सिंधीअ जी देवनागरी लिपीअ सां जोड़ियूं, असांजी जड़ूं उन्हनि में ई आहिनि। ॿारनि खे सिंधी गीत संगीत नाटक कवि सदन में वठी वञी सदन में चाह पैदा कयूं। सिंधी लोक गीतनि खे मशहूर करण लाइ कुझु नौजवान गायकनि खे ॻाइण जी शिक्षा ॾियारे असां पंजाबी वांगुरु गुरदास मान, दलेर मेहंदी, मीका सिंह, उत्तर प्रदेश जी तीजन बाई एंड मालनी अवस्थी पैदा कयूं त कुझु असीं उन्हनि खे बचाए सघूं था पिया। सिंधी पहाकनि ऐं चवणनि जी चटाभेटीअ जो बि आयोजन असांजी सिंधी संस्थाउनि, चाहे सरकारी हुजनि या गैर सरकारी, उन्हनि खे करण जी मुंहिंजी हिकु तजवीज़ आहे। संघ लोक सेवा आयोग जे सिविल सेवा परीक्षा लाइ ॿारनि खे 12 क्लास खां पोइ ई उन्हनि जो ॾाढो वधे, इन लाइ कोशिशि असांखे करणु घुरिजे। जेके किताब उन्हनि खे मिली सघनि था उहे असीं मुहैया करायूं,
ऐं असांजे सेंट्रल ऐं माना NCPSL ऐं असांजे प्रांतनि जेके अकादमियूं आहिनि इन्हनि किताबनि खे जदे तादाद में छपाराए घटि अघ ते मुआया कराए। पहिरीं कोशिशि NCPSL ऐं साईं चांदूराम साहिबु वरिती हुई, उहे किताब छपाया हुआ। हाणे किताब उहे ख़तमु थी विया आहिनि, उन्हनि खे वापसि छपाइण जी ज़रूरत आहे, त अकेडमियुनि खे इन ॾिसण वधीक अॻियां हलणु घुरिजे। अलॻि अलॻि तरह जूं चटाभेटियूं जीअं कहाणी, नाटक, कविता, समालोचना ऐं निबंध लिखण जूं रुगो नई थी लाइ करायूं। असां अॼु जेकर ॾिठो हूंदोसीं जेके इनाम मिलिया आहिनि उन में नई टई ॾाढी घटि आहे, इहे कोशिशूं असांखे अञा वधाइणु घुरिजनि। आख़िर में वरी नारायण शाम थो यादि अचे, को किरियल या कोई किरायल उथी थींदो खड़ो, को ॿियो बणिजी किथां सघंदो बग़ावत जो सबबु। हा, ही ज़िंदह लफ़्ज़ श्याम अथम आसपास जे जुड़ंदी जुड़ंदी नफ़ीस नज़्म इन्हनि मां कॾहिं न कॾहिं नज़्म जुड़ी सघे थी। असांजे आसे पासे में अञा भाषा आहे, असां वटि अञा 60 ऐं 50 वारा माण्हू मौजूदु आहिनि जेके सिंधी ॻाल्हाइनि था, त उहे जेके सिंधीअ खे संभाले करे पंहिंजो वरसो ॿारनि खे ॾींदा त सिंधी वरी बची पवंदी। मूंखे पूरी उमेद आहे त सिंधी भाषा जी ॻाल्हाइणु शुरू थी वई त किरियल ऐं पखरियल अखरनि मां कान का रचना ज़रूरु ठहंदी ऐं वरी असीं सरसब्ज बाग सिंधी भाषा जे साहित्य जो पंहिंजी अखियुनि सां ॾिसी सघंदासीं। नारायण श्याम जी ॿ सिटूं आहिनि, हुजे का खान ख़ूबियुनि जी ऐं खामियुनि खां आज़ी, न पंहिंजी ज़िंदगी अहिड़ी, न पंहिंजा पेपर अहिड़ा। महिरबानी।